हेलो एवरीवन। तो एक क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान सा प्रक्रिया हो सकता है, क्योंकि तो इसमें देख सकते हैं कि कोई भी ऐसे सिंबल्स नहीं है जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते। सो अगर हम एक्सपैंड करके देखें, सो एस प्रोड्यूसेस बी ए, और एक और एक्सपेंशन इसका पॉसिबल है, एस प्रोड्यूसेस ए बी। सो अगर एस प्रोड्यूसेस बी ए में हम ए का एक्सपेंशन कर दें, लेट से इसको हम बी ए ए से एक्सपैंड कर देते हैं, अनदर ए को हम एक्सपैंड कर देते हैं ए, और स्टार्ट सिंबल से इस एस को हम एक्सपैंड कर देते हैं लेट से स्मॉल ए कैपिटल बी से, और इस बी को हम एक्सपैंड कर देते हैं बी से। सो आप देख सकते हैं कि बी हमें टर्मिनल सिंबल पे ले आया, एस भी हमें टर्मिनल सिंबल पे ले आया, और ए भी हमें टर्मिनल सिंबल्स के कॉम्बिनेशन पे ले आया, स्ट्रिंग पे लेके आया। इसका मतलब एस ए और बी ये सारे के सारे ऐसे प्रोडक्शन हैं, या ऐसे ऐसे टर्मिनल्स वर्टिकल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि हमें टर्मिनल सिंबल्स की तरफ लेके आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये यूजलेस प्रोडक्शंस इनके नहीं। हमें ये भी विजिबल है कि जो हमारा ग्रामर है उसमें कोई भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है, और हमें ये भी विजिबल है कि हमारे ग्रामर में कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। तो हम अपना प्रोसेस बहुत ही सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। सो वी आर सेइंग दैट एस प्रोड्यूसेस बी ए, इसकी नंबरिंग करके लिस्ट आउट कर लेते हैं, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी, देन बी ए प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल ए, देन वी हैव स्मॉल ए ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस, एंड देन आई हैव ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, देन वी हैव बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी, देन वी हैव अ प्रोडक्शन बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी एंड एस, एंड एट नंबर से इज दैट आई हैव बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। नाउ इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्शन है जो ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, सो दीज आर वेरी फ्यू, 5 नंबर एंड 8 नंबर, रेस्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पैटर्न साइड में आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन हमारे पास है टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल का, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल का, और केवल स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ही सिंबल्स हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो नए प्रोडक्शंस हैं जिसमें सी ए प्रोड्यूसेस ए एंड लेट्स से सी बी प्रोड्यूसेस बी। फिर इसके बाद जो 1 नंबर हमारा प्रोडक्शन है इसको हम चेंज करते हैं, सो दिस विल नाउ बिकम एस प्रोड्यूसेस सी बी एंड कैपिटल ए, और सी बी प्रोड्यूसेस बी हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। सेकेंड नंबर प्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि एस प्रोड्यूसेस सी ए एंड कैपिटल बी, जो कि हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एंड सी ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। नाउ थर्ड नंबर प्रोडक्शन जो कि ये वाला है, इसमें कह रहे हैं कि ए प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल ए। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3 सिंबल्स हैं, इसको हमें 2 ही रखना है। तो हम सबसे पहले कह देते हैं कि ए प्रोड्यूसेस सी बी, और डबल ए को हम एक नया सिंबल का नाम देते हैं, लेट्स से दैट इज सी वन, और लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं कि सी वन इज सी वन प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल ए। नाउ प्रोडक्शन नंबर 4 जो है वो है ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस, इसको हम बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं सी ए एंड कैपिटल एस। 5 नंबर प्रोडक्शन ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, राइट हैंड साइड पे केवल एक टर्मिनल सिंबल है। 6 नंबर प्रोडक्शन हमारा कह रहा है कि बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी, सो राइट हैंड साइड में 3 सिंबल्स हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं कि ए स्मॉल ए को सी ए में चेंज करते हैं, और कैपिटल बी को लेट्स से हमने सी टू मान लिया, एंड लेट्स से हमारे पास एक सी टू प्रोड्यूसेस कैपिटल बी नाम का एक और प्रोडक्शन है। नाउ 7 नंबर प्रोडक्शन हमारा है बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी एंड कैपिटल एस, सो बी की जगह हम लिख सकते हैं सी बी एंड लेट्स से कैपिटल एस। 8 नंबर प्रोडक्शन जो कि है बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। सो नाउ वी हैव दीज प्रोडक्शंस, और जो 4 प्रोडक्शंस हमने नए माने हैं इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 11 एंड दिस इज 12, एंड दिस इज एक्चुअली इन द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म सी एंड एफ। सो दिस वाज वेरी इजी टू कन्वर्ट, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।